गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम मनेंद्र सिंह गोला है। वेलकम टू माय चैनल, अपने चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं यहां पर वेस्टीज रिलेटेड वीडियोस रेगुलर अपलोड करता हूं। दोस्तों, आम की जो फसल है वो स्टार्ट हो चुकी है। यही सीज़न होता है जब आम की फसल यहाँ से इस महीने से स्टार्ट होती है, मार्च और अप्रैल के महीने से। और जब बरसात का मौसम आता है तब ये हमारे पास आम खाने लायक हो जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के मौसम में ही हमें इनका बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है जब पेड़ के ऊपर जब बौर आ रहा होता है, उस बौर की अगर हमने अच्छी तरीके से देखभाल कर ली तो कहीं ना कहीं हमारी जो फसल है वो बहुत ही अच्छी होती है। कहीं ना कहीं हमारी जो फसल है वो बहुत अधिक मात्रा में भी आती है। तो अभी इस समय बहुत सारे पेड़ पौधों पर बौर आ चुके हैं, बहुत सारे बौर झड़ रहे हैं और बहुत सारे जो आम की खेती करते हैं परेशान हैं लोग कि ये बौरों को झड़ने से कैसे बचाया जाए। तो आज इस वीडियो के अंदर आज हम आम की फसल में अपने एग्रीकल्चर के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपने बौर को बचा सकते हैं और उसकी जो परिपक्वता है उसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा ना लंबी करते हुए मैं लेके चलता हूँ सीधे पॉइंट पर। अगर आप चाहते हैं कि बौर आपके पेड़ पर अधिक मात्रा में आए, उसे झड़ने टूटने से बचाना है और जितने भी हमारे बौर आते हैं उनको फंगस से बचाना है और अधिक मात्रा में किस तरीके से आएँ, तो आज हम इस वीडियो के अंदर यही आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात ये आती है कि हम बेस्टीज के कौन कौन से प्रोडक्ट इसके अंदर इस्तेमाल करें। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर टोटली दो प्रोडक्ट का ही रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें केवल स्टार्टिंग में दो प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। सबसे पहले एग्री 82 और दूसरा एग्री ह्यूमिक, इन दोनों को ही आपको इस्तेमाल करना है। बौर अधिक मात्रा में कैसे आएँ इसके लिए आपको दो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं और इसकी मात्रा आप नोट कर लें और उस मात्रा के अकॉर्डिंग ही आपको ये अपने आम की फसल के अंदर इस्तेमाल करना है। एग्री 82 10 ml 20 लीटर पानी के अंदर, यानी कि 10 ml प्रति 20 लीटर पानी के अंदर आपको इस्तेमाल करना है। और एग्री ह्यूमिक 20 ml 20 लीटर पानी के अंदर आपको इस्तेमाल करना है। इन दोनों को मिक्स करके, इन दोनों का एक घोल तैयार करके आप इनका स्प्रे कर सकते हैं जितने भी हमारे पेड़ों के ऊपर बौर आ रहे हैं, इनके ऊपर आप एक बहुत ही अच्छी तरीके से स्प्रे कर दीजिए और हर 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद एक स्प्रे और कर दीजिए। इस तरीके से इसके अंदर परिपक्वता अच्छी तरीके से आएगी और जो बौर अच्छी तरीके से खिल नहीं पा रहा होगा तो वो अच्छी तरीके से खिल जाएगा और आपके बौर जितने भी फूल आ रहे हैं वो झड़ने से भी बच जाएंगे। बौर को झड़ने से बचाने के लिए हमें इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। इसके अलावा बौर अधिक मात्रा में हो इसके लिए इसे फंगस से बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फंगस की जो बीमारी होती है वो स्टार्टिंग में ही आ जाती है। अगर हमने स्टार्टिंग में अगर हमने फंगस की अगर एक स्प्रे कर दी, अगर फंगस से हमने इसको बचा लिया तो हमारी निश्चित रूप से जो फसल होगी वो बहुत ही अच्छी फसल होगी। फंगस से बचाने के लिए आपको क्या करना है, बायोफंगीसाइड का वेस्टीज का प्रोडक्ट आता है उसको आपको इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। बायोफंगीसाइड आप 10 ग्राम लेंगे और 20 लीटर की जो टंकी होती है उसमें आप एक घोल तैयार करेंगे और उसी में ही 10 ml एग्री 82 आप उसमें मिला देंगे। यानी कि बायोफंगीसाइड और एग्री 82 इन दोनों को मिला करके एक स्प्रे करेंगे पूरे पेड़ के ऊपर, जहाँ जहाँ बौर आ रहे हैं वहाँ वहाँ आप एक स्प्रे करेंगे बायोफंगीसाइड और एग्री 82 को मिलाने के बाद। इसके बाद आपकी एक सबसे बड़ी समस्या दूर हो जाएगी कि कभी भी अब उसके ऊपर फंगस की बीमारी नहीं लगेगी। अब जब फंगस की बीमारी नहीं लगेगी तो इसका मतलब ये है कि आपका बौर झड़ने से रुक जाएगा, आपका जो फूल है वो अधिक मात्रा में भी आएगा और जितने भी परिपक्वता उस फूल के अंदर आती है वो अच्छी तरीके से बनी रहेगी। तो यहाँ से हमारी फूल की एक अच्छी तरीके से देखभाल करना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी बन जाती है। अब लास्ट में मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा, उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। हमारे जितने भी एक खेत के अंदर जितने भी पेड़ लगे होते हैं उन पेड़ की जड़ों को
नम बना करके रखना, यानी कि उनकी नमी को बना करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितनी ज़्यादा नमी उनके पेड़ के जड़ों के चारों तरफ बनी रहेगी, उतनी ही ज़्यादा उनको अच्छी तरीके से पोषण मिलता रहेगा। तो इसलिए इस नमी को बना के रखने के लिए आपको दो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, एग्रीब्यासी और एग्री ह्यूमिक। एग्रीब्यासी जो आपके पानी को एक लंबे समय तक ज़िंदा बना के रखेगा, जिससे कि जड़ों को भरपूर मात्रा में पोषण मिलता रहेगा। और एग्री ह्यूमिक का काम ये होगा कि जो भी न्यूट्रिशंस की कमी होती है, जो मिट्टी से नहीं मिल पाती है, वो एग्री ह्यूमिक से पेड़ पौधों को मिलती रहेगी। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी मात्रा में आपको इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी हमारी आम की फसल के बारे में। अगर आपकी भी आम की फसल है तो इस तरीके से इन तीन प्रोडक्ट का आप अभी इस्तेमाल कर लीजिए, जिससे कि आपकी फसल एक लंबे समय तक और एक अच्छी भरपूर मात्रा में और अधिक से अधिक फसल आपके पास उत्पन्न हो। तो ये थे हमारे तीन प्रोडक्ट, जिनको आप अपनी आम की फसल के अंदर अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके अपनी फसल की पैदावार को एक अच्छे मुकाम पे लेके जा सकते हैं। और अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उनके भी बारे में हम विस्तार से धीरे धीरे बताते रहेंगे। जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपनी टीम के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, विश यू वेल्थ।